गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर चैनल अर्पित सौरव व्लॉग। और मैं रेडी हो गया हूँ और आप सबको मेरे परिवार की ओर से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज दशहरा है, रावण दहन होगा, पूरे इंडिया में होगा, पूरे वलसाड़ में होगा, पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हर जगह होगा। सो आज हम वो भी देखने जाएंगे। और दशहरा के दिन सब लोग अपने घर में हर चीज़ नए करते हैं। मैंने अपनी गाड़ी धो ली, वॉश करके उसमें माला भी चढ़ा दिया। और सबसे एक और मेन बात, आज पूरे गुजरात में सबसे स्पेशल डिश क्या खाई जाएगी, आप सबको कुछ पता है? चलो, पता तो होगा, पर जिसको नहीं पता है मैं बताता हूँ, वो है जलेबी फाफड़ा। क्योंकि यही गुजराती सबसे स्पेशल डिश है जो दशहरा के दिन लोग खाते हैं, और मैं भी खाऊँगा अभी नीचे जाके। सो चलते हैं, नीचे खाते हैं। और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, ऐसा तो कल ही हो गया था, पर आज भी लोगों ने एक्स्ट्रा रखा है, हर जगह बहुत सी जगह रखा होगा। सो आज हमारे यहाँ पे भी है, और आज दसवां दिन है, आज ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरे गुजरातीज और हर लोग, सारे लोग एक साल वापस वेट करेंगे नवरात्रि का। सो आज का दिन फुल इन्जॉय करेंगे। भाई जी देखो, पूरी गाड़ी वॉश करके पूरा माला वाला चढ़ा दिया हमने। सो इतनी मेहनत की है ना गाड़ी धोने में, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पूरे गली में भी देखो, सब ने अपनी गाड़ी वॉश करके, और ये देखो शानवी ने अपनी छोटी सी गाड़ी, उसको भी उसने वॉश करके रखा है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब उसको भी अपनी गाड़ी इतनी प्यारी है तो उसने वॉश करके रखी है। सो देखो यार, तू सीखो, वो इतनी छोटी सी लड़की भी अगर इतना वॉश करके रख रही तो हमारा भी फर्ज बनता है अपनी गाड़ी को वॉश करना। सो ये देखो गाइस, फाफड़ा इधर रखा है, मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। और सबसे मेन थी जलेबी, जो भी हम लोग खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। जलेबी फाफड़ा, पता नहीं इस कॉम्बिनेशन को किसने बनाया है, पर जो भी है बहुत बेस्ट लगता है, तो खाते हैं। मैं तो खाया, मैं जलेबी बहुत थोड़ी सी लेती हूँ, क्योंकि मीठा बहुत मैं भी कम ही खाता हूँ। और फाफड़ा लिया है, थोड़ा और ले लेंगे बाद में, पर इतना खाते हैं पहले। चलो सो मैं सो के उठ गया, और आज पूरे दिन बस मैं सोया सोया सोता ही रहा, क्योंकि रात को भी हम लोग लेट एडिटिंग करके सोए थे ना, तो पूरे दिन बस सो ही रहा था मैं। और अभी जब उठा तो खाना खाया, और खाना खाने के बाद सोचा आराम कर रहा था, तभी वाईफाई सर्विस के अंकल आए, वाईफाई हमारा सर्विस करना था क्योंकि बहुत स्लो चल रहा था। सो वो काम चालू है अभी। सो मैं बताता हूँ, सो ये सर्विस हो जाए, फिर देखते हैं क्या स्पीड आती है। वैसे तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है आजकल, सो देखते हैं। गाइस अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ, आज अकेला हूँ, सौरभ अपने समाज में गया है क्योंकि वो नहीं आ पा रहा है। सो मैं चाहता हूँ थोड़ा बाहर इंजॉय करके आता हूँ, थोड़ा बहुत राउंड और रावण का देख के आता हूँ, क्या रावण कहाँ दहन होंगे, कहाँ जलाया जाएगा, ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है। सो चलते हैं बाहर, देख के आते हैं, फिर बाद में निधि और शानवी को दिखा लाऊँगा और आप लोग को भी बताऊँगा। सो चलते। सो गाइस ये देखो, रावण की तैयारी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे में दहन होगा, और आधे घंटे में मैं रिटर्न आऊँगा तुरंत ही, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा उस सब चीज़ यहाँ की। तो अभी यहाँ पर मैं रावण देखने आए, मैं, निधि और शानवी। शानू हाई करो, निधि तुम भी। तो देखते हैं कितने, 8 बजे होगा यहाँ पर जलेगा रावण, तो वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, फिर बताता हूँ मैं अभी आप लोग को। शानू रावण कहाँ है? उधर है, तुम जाओगी जलाने? रावण गिर भी सकता है। कैसे गिरेगा? गिर, ऐसे तो नहीं गिरेगा, वो बांध के रखा है। पर अगर रस्सी छूट गई पटाखे से तो नहीं होगा। चलो तुम जाओ जला दो हैं। सो वंस अगेन आई एम रेडी, और अब चलते हैं, आज लास्ट डे नवरात्रि का एंजॉय करने। वापस रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ, पहले सौरभ को ले लेता हूँ, उसके बाद वहाँ पे चलते हैं और फुल्ली एंजॉय करेंगे। सौरभ को लेके डायरेक्ट वहाँ ही चलते हैं। तो गाइस मैं अभी आ गया था, अर्पित लेने आया था मेरे को, अभी बाल ठीक नहीं है तो जज मत करना। अभी फ़िलहाल तो वापस अंदर जा रहे हैं, गरबा करेंगे, मज़ा करेंगे। चलो पकलिया।
बढ़िया किंग, मजा आया, आज मजा आया। ये रूठे हुए चेहरे देखो, ये आग अबे तू हंस क्यों रहा है, ये BTS में जाएगा अबे। ये चेहरे देखो, ये मासूम चेहरे 10 दिन की खुशी को आज कुर्बान कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं हम 10 दिन की खुशी को। बोल दो भी जो बोलना है, दिल से बोल दो। रावण दहन के साथ हमने हमारी खुशी को भी दहन कर दिया, दिल से तो आई लव यू बोलना, आई लव यू गाइस। ए पब्लिक में ना है बेटा, गाइस को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा, मैं तो अपने यूट्यूबर्स को बोल रहा हूं भाई, ये मैं प्यार करता हूं, इसके लिए तो इतनी मेहनत करता हूं, सपोर्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। हां माला पता है कि हम इतने भी ज्यादा बड़े नहीं हो गए, लेकिन बड़े छाने हैं दोनों, बहुत छाने हैं हम, बहुत छाने हैं। कट कट कट। तो गाइस आज मजा तो बहुत आया, जितने भी फर्स्ट कैटेगरी में है, फर्स्ट नंबर पे उनका नाम आदमी अनाउंस कर दिया, ये थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया, यही कहना है कि नवरात्रि खत्म, सब सारी खुशियां खत्म हो गई, अब डायरेक्ट दिवाली पे मिलेंगे। खत्म हो चुकी है भाई लोग, हमारे चेहरे देखो पता लग रहा होगा। चलो तो यार, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी क्रिएटिव, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे तो नॉर्मल ब्लॉग से आएंगे जैसे आते हैं, अभी शादी यहाँ शुरू हुई है, प्री वेडिंग BTS वगैरह आएगा तो वो देखना। और हमारा तो आपको पता ही है डेली रूटीन कैसा है, डेली अपना अपना तरीके से फायदा करते हैं। चलो सर मिलेंगे, बाय बाय, अपने न्यूज चैनल पे मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे हर बार बोलते हैं हम दोनों, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा सपोर्ट कर दो। बाय बाय, गुड नाइट।